गोर्गन में आपका स्वागत है राजकुमार। ये हमारे दोस्त हैं। वो गोर्गन को श्राप से मुक्त कर सकता है। बोलो भीम, आप हमें ये बता सकती हैं कि हर रात गोर्गन नष्ट कैसे हो जाता है? मैं एक ऐसी चीज दे सकती हूँ जिसकी मदद से रात में हुई हर घटना तुम देख सकते हो। क्या है वो चीज? मेरा जादुई शीशा। इससे गोर्गन की सबसे ऊंची इमारत पे लगा देना और अगली सुबह इसमें रात में हुई हर घटना तुम देख सकोगे। जाओ, खत्म कर दो भीम और उसके साथियों को। तुम भी मैं लौट जाओ पांचा, इससे पहले कि मेरे गॉब्लिन इस गुफा को फिर से बंद कर दें। ये है क्या? पता नहीं, पर इस वक्त इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। का बस एक ही तरीका है, इन्हें पानी की तरफ ले जाना होगा। शीशे को ढूंढना होगा। एड्रियन, चुटकी, तुम सब खुद ही देख लो। नहीं देख सकता। ध्यान से देखो एड्रियन, ये सब नींद में चल रहे हैं। इन पर किसी ने जादू किया हुआ है। पर क्या तुमने देखा, एक आदमी नींद में नहीं चल रहा था? कौन कौन है ये? ये है मंत्री पांचा। जब उस रात कालिया और ढोलू भोलू दावत के लिए महल में आए होंगे तो उन्होंने पांचा को देख लिया होगा। ठीक कहा चुटकी, पर अब इससे पहले कि पांचा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें उस गुफा में पहुंचना होगा। बहुत देर हो चुकी है पांचा, अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जाओ पकड़ लो उन सबको। हट जाओ, हमें गॉब्लिन राजा को खबर देनी होगी। अब हम गोर्गन पर आक्रमण करेंगे। हमारा
डकन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ, मैं दिखाता हूँ। जंबो जंबो, ये लो। अगर इनके पैरों में स्प्रिंग है तो हमारे पेट में भी लड्डू है। जंगली जानवरों का कोई बड़ा झुंड। जल्दी भागो, हम इससे तेज नहीं भाग सकते, हमें उनके रास्ते से हटना होगा। कैसे जंगली भैंसों की सवारी कर रहे हैं? ये बहुत हो गई तुम्हारी इशारे विशारे, मुझे तो चल चल के भाग भाग के और बार बार गिर गिर के बहुत भूख लगी है। लड्डू का शौकी।